दोस्तों, आज हम बात करेंगे IDBI बैंक के बारे में, जिसकी खबरें आ रही थी कि LIC लगभग 51% जो स्टेक है IDBI बैंक में लेने वाली है और 13,000 करोड़ जो है वो इन्वेस्ट करने वाली है IDBI बैंक के अंदर। और अगर आप इसका स्टॉक भी देखेंगे तो 54.90 के ऊपर है, 10% अप है, और इसका लो देखेंगे 52 वीक का तो 49 है, वहाँ से इसने हाई मारा है और हाई है 52 वीक का 91। तो न्यूज़ यही है कि IDBI और LIC की डील हो चुकी है और IRDAI जिसका अप्रूवल लेना था उसका अप्रूवल भी आ चुका है, तो IDBI बैंक के लिए काफ़ी अच्छा मीन्स राहत की बात है। और ये स्टॉक यहाँ से फिर से थोड़ा ग्रो होकर 75 to 80 तक जा सकता है अगर किसी ने ले रखा है तो, उसके लिए अच्छी खबर है। और इसका अगर आप स्टॉक देखेंगे तो लगातार एक ही स्लैब में चला है, लगभग 60, 65, 70, 50 के करीब। इसका अगर मार्केट कैप देखेंगे तो 22,000 करोड़ का है, लेकिन EPS डाउन हुआ है NPS के कारण, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं IRDAI अलाउज LIC टू इन्वेस्ट अप टू 51% इन IDBI बैंक, और IRDAI ने अप्रूव कर दिया है, तो ये काफ़ी बढ़िया बात है। इसके अगर आप फाइनेंशियल्स देखेंगे तो फाइनेंशियल्स भी थोड़े नेगेटिव है, सेल्स का टर्नओवर कम हुआ है 5 to 1.4 के करीब, पहले 5.797 के करीब था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट माइनस में आया क्योंकि एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, और इसका नेट प्रॉफिट जो है दिसंबर से मार्च में काफ़ी ज़्यादा माइनस में आया है क्योंकि NPS के कारण। तो यही एक चीज़ है, तो गवर्नमेंट की जो PSU बैंक्स है उसमें काफ़ी सारे टर्न अराउंड हो रहे हैं और आगे दूसरी बैंकों में भी होने वाले हैं, तो इन सब न्यूज़ पर आप नज़र रखते रहें ताकि जो PSU बैंक्स है उसमें भी प्रॉफिट मिलने का मौका मिल सकता है। तो आज इसी के बारे में बताना था, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, थैंक यू।